बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं एलैबोरेट करने वाला हूँ इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसके अंदर मल्टीपल एडमिशन का आगाज हो चुके हैं, जिसके अंदर बीएस प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम और कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम, जिसके साथ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। अब अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और प्रॉपर्टी किस एप्लीकेशन को कैसे कंसीडर करना है और रिक्वायरमेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू यूनिवर्सिटी होगी। तो मैं बताता चलूं, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यूएल जिसे कहा जाता है, उसका पहले ये कैंपस हुआ करता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है, इसको अब इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, हर किस्म की स्कॉलरशिप और हर किस्म की एडमिशन की अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉलेज मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, टीसीएस, प्रिंट, अटैच, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एडमिशन की बात करूँ, यहाँ पे बीएस ऑडियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज एंड मेल्टी, व्हील साइंस, न्यूट्रिशन, नर्सिंग, पोस्ट आरएन, डीपीटी, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। एलआरबी, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ अवेलेबल है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से दैट मैं सर्च करता हूँ गूगल पे इबादत यूनिवर्सिटी, जैसे सर्च करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे सामने इबादत यूनिवर्सिटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन है। यहाँ पे आप टोटली इसको देख सकते हैं, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई फॉर एडमिशन की मैं बात करूँ तो ये अप्लाई फॉर एडमिशन है। यहाँ पे अगर आप फीस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन को देखना चाहते हैं तो एडमिशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया को डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। अब करंटली मैं चाहता हूँ कि मैंने फीस स्ट्रक्चर अगर देख ली हर प्रोग्राम का, अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रोग्राम का प्रॉपर तरीके से फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल। आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक आउट करते हैं, कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैंने क्लिक आउट किया है तो अब मेरे सामने कंप्यूटर साइंस का जो है वो प्रोग्राम की फीस डाउनलोड हो जाती है। अब जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी अवेल करवाया जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप कितने परसेंट पे मिलता है और कितने कौन कौन से लोगों को मिलता है। ये सिर्फ उन लोगों के मिलता है जिनके मार्क्स थोड़े से अच्छे होते हैं। अब मैं मार्क्स लेके आ रहा हूँ 50% के साथ, 60% के साथ, और आई एम थिंकिंग मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए ये बहुत ही मतलब ना मानने वाली बात है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। एप्लीकेशन फी मतलब कितनी फीस है बीएससीएस की, तो वो एलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले जाना लाजमी है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि फर्स्ट ईयर की जो फीस है, ट्यूशन फीस 73,800 है, एडमिशन फीस फर्स्ट टाइम 20,000 पे है, सेमेस्टर फीस कंट्रीब्यूशन 12,000, 9,000 एग्जाम फीस है और फर्स्ट टाइम आपने 1,14,800 रुपए पे करना है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर 20,000 आपके कट हो गए 94,800, इस तरह करके टोटल आपकी जो डिग्री कंप्लीट होती है 7,10,500 के ऊपर। अगर आप स्कॉलरशिप अगर अवेल करते हैं, अगर आपको दूसरा का जो अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। अब मैं अप्लाई प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे टॉप राइट साइड पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसके ऊपर क्लिक आउट करता हूँ। अब सबसे पहले मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं क्या करूंगा, न्यू यूजर के होने के नाते यहाँ पे रजिस्टर्ड एज अ न्यू एप्लीकेंट के तौर पे क्लिक आउट करूंगा। नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे, कैंपस यहाँ पे, सारा कुछ, मोबाइल नंबर दे दिया। जैसे ही मैं क्लिक आउट करूंगा तो मेरा जो अकाउंट है, जो मैसेज है, वो मेरे ईमेल आईडी पे चला जाएगा। अब ये मेरा ऑलरेडी लॉग इन अकाउंट है, मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, कैश होता है। यहाँ पे देखें कि मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो चुका है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाया था। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक आउट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ तो मैं जो है वो इसको लेकर चलता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और इस तरह आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक आउट करते हैं, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक आउट करते हैं तो मेरा जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड अप हो जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल से मैं चूज करना चाहता हूँ बीएससी नर्सिंग को, तो नर्सिंग देख लेते हैं, या बीएससी नर्सिंग के यहाँ पे बैचलर ऑफ नर्सिंग पोस्ट आर एन जी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मैट्रिक विद साइंस ऑफ बीएनसी आर एन की हुई है, मतलब जो लोग आर एन। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी स्प्रिंग में ऑफर कराया, फॉल में ऑफर कराया। यहाँ पे लॉ की मैं बात करूँ तो लॉ भी अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आगे क्या करता हूँ,
नेक्स्ट पे क्लिक और करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक और करता हूँ, यहाँ पे मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन को पुटअप करूंगा, इस तरह फॉर्म को फिलअप करूंगा। यहाँ पे मेरे सामने टोटल 9 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पेमेंट का भी सब्जेक्ट अवेलेबल, आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट आपके सामने नहीं आ रही तो आपको क्या होगा, जब आपका एडमिशन होगा तब आपसे पेमेंट ले ली जाएगी। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक स्टैंड डॉक्यूमेंट रिसर्च प्रिंट टेस्ट सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। खाली इसी यूनिवर्सिटी में नहीं, पाकिस्तान और इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू, जजाकल्ला, शुक्रिया।